दोस्तों, कैसे हो? आज रात को अभी टाइम हुआ है मेरे 10:30, और मैं जा रही हूँ, ये देखो मेरे बेटे को, अभी मैं जा रही हूँ ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए। कुछ टीचर हैं मेरे हस्बैंड के स्कूल की, उनके साथ मैं रिवर राफ्टिंग के लिए जा रही हूँ। ये सरप्राइज़ जो ट्रिप है मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, मुझे नहीं इसका आइडिया था, कल ही मुझे पता चला और आज हम जा रहे हैं। रात की अभी गाड़ी है हमारी जो बुक कर रखी है उससे, तो जैसा भी रहेगा एक्सपीरियंस इस ट्रिप को लेके मैं आपके साथ शेयर करूँगी और सब कुछ आपको दिखाऊँगी कि रिवर राफ्टिंग का जो भी हमारा रहा ऋषिकेश ट्रिप का वो कैसा था। ओके रात के 10:30 बजे मैं अपने शॉप पे खड़ी थी जहाँ पे गाड़ी को आना था। बाकी टीचर्स भी यहीं आएंगी सारी की सारी, और यहाँ से फिर हम जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। रात को 11 बजे हम निकल चुके थे ऋषिकेश के लिए, और उसके बाद हम रास्ते में एक जगह हमने चाय पी थी 1:30 बजे के करीब करीब। ये वही ढाबा है जहाँ हमने चाय पी थी। उसके बाद हम पहुंच गए 3:30 बजे गंगा मैया के घाट पे। वहाँ पे हमने थोड़ी सी मस्ती की, पिक्स ली, और उसके बाद चल पड़े हम अपने रास्ते ऋषिकेश के लिए, क्योंकि हमें टाइम से ऋषिकेश भी पहुंचना है, जिस चीज़ के लिए हम इतनी रात को निकले थे, क्योंकि रिवर राफ्टिंग के लिए फिर दिन में बहुत बहुत भीड़ हो जाती है। इसीलिए हमने जो टाइम सेट किया था वो इसलिए रात का किया था कि अर्ली मॉर्निंग हम ऋषिकेश पहुंच जाएं राफ्टिंग की बुकिंग के लिए। ये हमारे पूरा ग्रुप है, एक मैम सो रहे हैं सुदेश मैम, बाकी सब अभी आए हैं बाहर से मस्ती करके। और अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूले पर, हमारी गाड़ी ऊपर खड़ी है और हम शेर से नीचे आए थे सारे टीचर। ये सुदेश मैम हैं, अभी बाकी जो टीचर हैं हमारे ग्रुप में वो भी आ रही हैं। 4:15 बजे का टाइम था जब हम लक्ष्मण झूले को देखने के लिए, उस टाइम का व्यू जो रात का, वहाँ रात तो नहीं अर्ली मॉर्निंग था लेकिन लाइटें वगैरह जल रही थी, तो बहुत प्यारा व्यू आ रहा था लक्ष्मण झूले का, राम झूले का। वहाँ पे ये देखिए सारी मैडमें आ चुकी हैं। यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर नज़ारा था यहाँ का, मतलब मैंने पहले रात वाला व्यू नहीं देखा था लक्ष्मण झूले का। मैं गंगा जी के घाट पे कई बार गई हूँ लेकिन ऐसे वाला व्यू मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। बहुत खूबसूरत था और हवा इतनी प्यारी चल रही थी ना, सच में ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था लक्ष्मण झूले पे, जो लाइट और हवा, वहाँ का मौसम इतना प्यारा हो रखा था, लग ही नहीं रहा था कि हम गर्मी में गए हुए हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा सब। यहाँ की फोटोग्राफी फिनिश करके और हम निकल लिए थे यहाँ से अब आगे के लिए, जहाँ हमें रिवर राफ्टिंग के लिए जाना था। अब हम अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें टाइम से पहुँचना है और बुक करवानी है अपनी राफ्टिंग के लिए। अब हम आ गए हैं उस एरिया में जहाँ हमें रिवर राफ्टिंग के लिए बुकिंग करवानी है, और अभी हम राफ्टिंग की बुकिंग करवाने के बाद घूम रहे हैं
ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन सब कुछ बंद है क्योंकि मॉर्निंग में हम 5:30 बजे में हम यहाँ पहुँच चुके थे। ये एक रेस्टोरेंट मिला था हमें, साउथ इंडियन टाइप था, और यहाँ इन्होंने हमें बोला कि हाँ आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, और यहीं बैठ के हम वेट कर रहे थे अपने ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट तो आया लेकिन ब्रेकफास्ट में मज़ा नहीं आया, तो हम यहाँ से सारा ब्रेकफास्ट छोड़ के और देन उसके बाद हम चले गए थे कुछ और खाने। ये देखो मैडमों को आ गई है नींद बैठे बैठे, क्योंकि हम पूरी रात सोए नहीं हैं, सारे रास्ते मज़े करते आए थे। ये ब्रेकफास्ट हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगा था, ये छोड़ के स्किप किया हमने, और ये खाए छोले कुलचे। देन उसके बाद हम चले गए रिवर राफ्टिंग के लिए। अब हमें जो हमारी गाड़ी है रिवर राफ्टिंग वाली, वो हमें लेके जा रही है हमारे पॉइंट पे, जहाँ से हमारी रिवर राफ्टिंग की जो स्टार्ट है एडवेंचर वो स्टार्ट सॉरी एडवेंचर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो सारे टीचरें कितनी एक्साइटमेंट में है, कुछ को पानी से डर भी लगता है लेकिन वही है ना, डर के आगे जीत है, तो चल पड़े हैं सारे के सारे राफ्टिंग के लिए। बहुत एक्साइटमेंट थी, मैं रिवर राफ्टिंग सेकेंड टाइम कर रही हूँ, मुझे रिवर राफ्टिंग बहुत बहुत पसंद है। हम तैयार हो गए हैं अपने इक्विपमेंट्स के साथ में, और ये देखिए हाँ हमने स्टार्ट कर दिया राफ्टिंग। और सबसे पहले जहाँ ज़्यादा वेव्स नहीं होती हैं वहाँ पे पानी में मस्ती करने को मिलती है हमें, बहुत 2-3 टीचर थे जिनको बहुत डर लग रहा था, ज्योति मैम हैं, मंजू मैम हैं, वहाँ जिग्नेश मैम है, ये तीनों तो फर्स्ट टाइम तो नीचे आए ही नहीं पानी में, हम वेट करते रहे। और मेरा तो ऐसा है कि मुझे कोई 100 बार बोले ना राफ्टिंग करने के लिए, तो मैं 100 बार तैयार हूँ जाने के लिए राफ्टिंग के, क्योंकि तो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है रिवर राफ्टिंग। ये स्टार्ट हो चुका है मस्त वाला एडवेंचर जो सबसे अच्छा लगता है मुझे इसमें। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा इसको देखते हुए, और अगर आपने रिवर राफ्टिंग नहीं की है तो प्लीज़ एक बार रिवर राफ्टिंग ज़रूर करना। और डेंजर जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सेफ होता है सब कुछ, जो हमारे गाइड होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं इनमें, और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम में से बहुत सारे ऐसे लगभग सारे 1-2 टीचर को छोड़ के सारे ऐसे थे कि जिनको स्विमिंग आती ही नहीं थी, और 2 टीचर तो ऐसे थे जिनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन उन्होंने भी खूब इंजॉय किया इसमें। आई होप कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे अगर आपने रिवर राफ्टिंग ट्राई नहीं की है, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने रिवर राफ्टिंग की है या नहीं की है, अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा राफ्टिंग को लेके। आप बस इसको देखते हुए मज़े लीजिए। Came a long way, we saw.
अब की बार राफ्टिंग करते हुए मैंने ना, सबसे पहले मैं बैक में बैठी थी, बिल्कुल लास्ट में बैठी। देन उसके बाद मैं मिड में बैठी, अभी मैं मिड में बैठी हूँ, और उसके बाद मैं एकदम फ्रंट में बैठी थी कि लहरों को मुझे बहुत पास से, इतने पास से महसूस करना था कि वो मेरे फेस पे ऐसे टच करते हुए हर बार मुझे जाएं। ये देखिए मैं अब फ्रंट में आके बैठ गई हूँ। जब लहरें आ रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। मैंने हर एक्सपीरियंस इसमें लेने की कोशिश की है और लिया भी है, और बहुत बहुत मज़ा आया मुझे। कहीं भी डर नहीं लगा, किसी भी साइड आप बैठो, फ्रंट में बैठो, लास्ट में, मिड में, कहीं भी बैठो, कोई ऐसा डरने वाला सिस्टम नहीं है इसमें। और वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें कहीं और भी जाना था, और एक ही दिन का हम सोच के आए थे, वहाँ रुकने का हमने प्लान नहीं बनाया था। अब हम लहरों के बीच में यहाँ जब उतरे थे ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगा था। ये मैं फर्स्ट टाइम उतरी थी, लास्ट टाइम मैं इतनी लहरों के बीच में नहीं उतरी थी। फुल मस्ती की, पूरा ग्रुप ना, जिस ग्रुप के साथ मैं गई थी, मतलब मैं सोच रही थी फर्स्ट टाइम इस ग्रुप के साथ जा रही थी, तो मेरे को पता नहीं कैसे होंगे, अच्छा भी मुझे लगेगा या नहीं लगेगा, पता नहीं मैं कंफर्ट होंगी या नहीं होंगी। लेकिन ना सारी टीचर इतनी फ्रेंडली थी ना, सच में बहुत मज़ा आया। और जब मैंने स्टेटस पे कुछ अपनी वीडियो और पिक्स लगाई थी, तो मेरे जो सर्कल में है, मेरे बेटे की फ्रेंड की मदर हैं और मेरी फ्रेंड हैं, जो उन्होंने कहा अरे ये कौन से वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, हमें भी इस ग्रुप में ज्वाइन होना है, हमें भी मस्ती करनी है। क्योंकि मस्ती करना किसे अच्छा नहीं लगता ना, सबको अच्छा लगता है। बस एक चीज है, जब बाहर जाओ ना, तो घर की जिम्मेदारियों को घर पे छोड़ के जाओ, तो मस्ती अपने आप ही शुरू हो जाती है। जिम्मेदारियां साथ लेके जाओगे घूमने, तो मस्ती नहीं कर पाओगे। देखो इन मैडम को इतना डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके ये भी आ गए पानी में। देखो वो उन्होंने ध्यान से नीचे पानी में छलांग नहीं लगाई, तो वो मुंह में पानी चला गया उनके, लेकिन थोड़ी देर में वो रिलैक्स हो गए थे और उन्हें काफी अच्छा लगा बाद में। ये मैम है इनके साइड में, ये रहे जिग्नेश मैम, इनको बहुत डर लग रहा था पानी से, बोल रहे थे कि मैं पानी से बहुत डरती हूँ, लेकिन इन्हें भी बहुत मज़ा आया। सिर्फ एक मैडम थी हमारे, मंजू मैम, जो पानी में नहीं आए, उनको थोड़ा सा हेल्थ इशू कह लो या कुछ ऐसा था जिस वजह से वो नहीं आए, बस। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत इंजॉय किया हमारे साथ। हम तो पूरे मज़े कर रहे थे, बहुत टाइम तक हम यहाँ बीच के अंदर, गंगा के बीच में रहे हैं हम, मतलब चलने ही नहीं दे रहे थे इसको, काफ़ी देर तक पानी में खेलते रहे ऐसे ही। ये एक्सपीरियंस भी लाइफ में सच में बहुत अलग था, और आप सब भी इसे ट्राई करना। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। देन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करते हो, व्यू आते हैं अनसब्सक्राइब वालों के, और वो बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। हो सकता है उन्हें मेरी वीडियो अच्छी ना लग रही हो, मे बी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, रिवर राफ्टिंग आपको कैसी लगती है, आपने कभी की है या नहीं की है, मुझे ज़रूर बताना। ओके तो इन्जॉय करिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनको दिल से थैंक यू। हमारी राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और सब अपने अब फोटोग्राफी करवा रही है, हमारे कोच हैं, गाइड। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। इसका एक पार्ट और मैं लेके आऊँगी, जहाँ हम निहार झरने पे गए थे, वो भी बहुत प्यारा है।
आप उसको भी देखना। मैंने इसमें सिर्फ राफ्टिंग और गंगा के जो व्यू थे वही ऐड किए थे। सेकंड पार्ट में मैं निहाड़ झरने का रखूंगी। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट पे, बाय।